भारी बारिश के चलते हो रही परेशानियों से तो अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी भी नहीं बच सके। बारिश की वजह से उनके कई कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। वहीं आईआईटी में छात्रों को संबोधित करने के लिए उन्हें सुबह 10 बजे पहुंचना था, लेकिन बारिश ने उन्हें रोक दिया। और बाद में जब कैरी छात्रों के बीच पहुंचे तो बेहाल दिल्ली पर उन्होंने चुटकी ली। कैरी ने छात्रों से पूछा कि क्या आप नाव या एम्फीबियस व्हीकल्स के जरिए यहाँ पहुंचे हैं। मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। आप सभी यहां मौजूद रहने के लिए अवार्ड पाने के हकदार हैं। आपको बता दें कि बारिश के चलते ही जॉन कैरी के शीशगंज गुरुद्वारा, जामा मस्जिद और गौरी शंकर मंदिर जाने का कार्यक्रम रद्द हो गया। इससे पहले सोमवार को भी वो बारिश के चलते साउथ दिल्ली में जाम में फंसे थे, इसलिए उन्होंने बारिश के बावजूद छात्रों के आईआईटी में पहुंचने पर उनका शुक्रिया अदा किया। वहीं आईआईटी में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के कंप्यूटर साइंस के छात्र इतने मेधावी हैं कि यहाँ के कॉलेजों की ओर से नहीं लिए जाने के बाद उन्हें एमआईटी खुशी से स्वीकार करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति बराक ओबामा के बीच संबंध साझा जरूरतों को समझते हुए बने हैं। अमेरिका और भारत के बीच के संबंध केवल दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए हैं। वैसे तो प्रशासन हर मानसून में होने वाली परेशानियों से निपटने के लिए लाख दावे करता है, लेकिन आज जो तस्वीर जॉन कैरी के सामने गई है वो दुनिया में देश को शर्मसार करने जैसी है। ऐसे में जरूरत है कि प्रशासन आंखें खोले। देखते रहिए डीबी लाइव।